हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू वाले छोले। दही के छोले तो आपने बहुत खाए होंगे, आप इस तरीके से बनाकर ट्राई करिए एक बार। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। एक कटोरी उबले हुए आलू लिए हैं, इसको अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा ओरिगैनो भी डालेंगे। एक छोटा चम्मच कुटा हुआ अदरक मिर्च डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल देंगे। अब एक बार फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। छः सात पीस ब्रेड लिया है मैंने, अब इसको इस तरीके से बेलन की सहायता से बेल लेंगे, हल्का हल्का पानी लगा के। ब्रेड आप ताज़ी ही लेना, वरना ब्रेड टूट टूट के निकलेगी, इसलिए इसके लिए ताज़ी ब्रेड लेते हैं। इसको इस तरीके से बेल लेंगे हल्के हाथों से। ब्रेड की पन्नी ली है मैंने, इस तरीके से इसको फाड़ लिया है। ये दोनों ब्रेडों को रखेंगे इस तरीके से, एक के ऊपर एक। अभी ये आलू वाली फिलिंग एक चम्मच लेंगे इस पर और इस तरीके से रख देंगे इसको। अब इस तरीके से ब्रेड को इसके ऊपर करेंगे और पन्नी को भी साथ साथ कर लेंगे, इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। तो सारी पन्नी और ब्रेड को एक साथ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइडों से हाथों से हल्का करके प्रेस करेंगे इसको इस तरीके से। ये देखिए हमारा एक छोले बन गया। इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए दूसरा भी मैंने बना लिया है। इसी तरीके से सारे बना लेंगे हम। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके डालेंगे जितने आएंगे और मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर तेल डालते हुए इसको फ्राई करेंगे, लटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे इसको। ये देखिए दो आलू के छोले फ्राई हो चुके हैं, अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से और भी फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए ब्रेड के छोले तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इस तरीके से इसको ट्राई करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, और वीडियो को फुल वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी इस तरीके से इसको ट्राई करके देखिए।